सरदारपुर के दसाई में मंगलवार को पूरे दिन गांव के प्रसिद्ध साई मंदिर व संत श्री आशाराम जी आश्रम में गुरु पूर्णिमा का उत्साह लोगों में देखा गया। प्रातःकाल गांव में ढोल बाजे के साथ साई बाबा की शाही सवारी निकाली गई, साथ ही साई बाबा के अलौकिक झांकी भी निकाली गई, जिसमें कई श्रद्धालुओं के साथ में पालकी में बैठे साईनाथ में नगर भ्रमण किया। पालकी यात्रा के बाद बाबा के मंदिर में महाआरती की गई, वहीं भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं योग वेदांत सेवा समिति दसाई के द्वारा आश्रम पर गुरुदेव की पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं अखिल विश्व गायत्री परिवार दसाई द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गायत्री प्रज्ञा पीठ पर 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ किया गया और पौधारोपण, साथ में पौधे भी वितरित किए गए। आज गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पर गुरुदेव के सभी साधक संत श्री आशाराम जी आश्रम दसाई में इकट्ठे हुए और हम सब ने मिलकर गुरु गीता का पाठ करा, श्री आशारामायण का पाठ करा और सभी साधक ने मिलकर भजन कीर्तन किया। इसके बाद योग वेदान सेवा समिति दसाई द्वारा यहाँ पर दसाई गांव में, दसाई का जो आश्रम है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चुल्ली और खिचड़ी के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए और सभी भोजन प्रसादी का खूब आनंद ले रहे हैं। खूब आनंद से यहाँ पर भंडारा चल रहा है, लगातार यहाँ पर भंडारा चलता ही चला जा रहा है और हम सबको बड़ी खुशी है कि इतने खराब माहौल में, जब बापूजी हमारे जेल में है, उसके बावजूद भी सभी साधकों की श्रद्धा दृढ़ है, अटल है और कोई भी साधक डिगने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हम सभी साधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। इस गुरु पूर्णिमा को लगातार हम हमारे पूरे जीवन भर मनाते रहेंगे और यही हमारा संकल्प है कि हम गुरुदेव के श्री चरणों में लगातार हमारा शीश को नवाते रहेंगे। आपका नाम? धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम नंदराम राठौर। मैंने